पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा लगभग 10 करोड़ की लागत से एक ऑडिटोरियम का निर्माण महाप्रबंधक रेलवे के कार्यालय के पास कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। ऑडिटोरियम में मुख्य हॉल, मैनेजर रूम, दो ड्रेसिंग रूम, VIP वेटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, पैंट्री रूम के अतिरिक्त अलग से पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। ऑडिटोरियम में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म के साथ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 10 KVA विद्युत का उत्पादन भी होगा। ऑडिटोरियम में विद्युत का प्रयोग ना होने पर सोलर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत रेलवे कार्यालय एवं रेलवे कॉलोनियों में उपयोग किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कराई गई है, जिससे रेल राजस्व का बचत भी होगा। इस केंद्रीय युक्त ऑडिटोरियम के निर्माण में सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है। ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा हो जाने पर पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय में आयोजित सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, रेल सप्ताह समारोह, विभिन्न जयंतियों के अवसर पर आयोजित गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन सुगमता पूर्वक हो सकेगा। इस ऑडिटोरियम का उपयोग नियमानुसार अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा। ऑडिटोरियम निर्माण की प्रगति का जायजा पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने निर्माण कार्यदायी संस्था के साथ किया और कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक पूरा करने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर में बहुत दिनों से एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऑडिटोरियम की आवश्यकता को देखते हुए वहां पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे विनय कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर महाप्रबंधक कार्यालय के निकट 500 लोगों के बैठने की क्षमता का ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, उन्होंने एक विलय का भी प्रोविजन किया हुआ है जैसा नॉर्मली थिएटर में होता है, और उसके साथ साथ ये आपके चेयर्स की जगह है, इसमें जो स्टेज पे एक वुडन फ्लोरिंग हम लोग लगा रहे हैं वो इम्पोर्ट करके इन लोगों ने मंगाया है, हमारे इंजीनियर्स ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस बार काफ़ी कुछ किया गया, जैसे जो मैप लगे हुए हैं, एकॉस्टिक पैनल्स हैं, जो साउंड है इसमें, इतना बड़ा हॉल है, इतने लोग रहेंगे थिएटर में, जो लोग बोल रहे हैं सामने या जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी आवाज़ गूंजे ना इसमें, जो ऑपरेटर है वो बैठ के इसकी लाइट्स वगैरह मैनेज करेंगे। ये अपने आप में इस तरह का जैसा यहाँ पे बना रहे हैं एक अनूठा हॉल है, क्योंकि गोरखपुर को मिलेगा अगले मीटिंग वगैरह कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर तरफ इन लोगों ने जो पब्लिक है उनके लिए टॉयलेट्स का अरेंजमेंट किया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए अगर कभी 20 सीटर कॉन्फ्रेंस, इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस रूम में इन केस की अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग करनी है कहीं से बोर्ड से, तो सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आके इमरजेंसी मीटिंग कर सकते हैं। ये सामने का एरिया एक उन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया सिटी के बीचों बीच में है, अभी जैसे क्लब भी इन लोगों ने बनाया, कुछ आप लोगों ने तय किया है क्या किराया करेंगे? ये जो GRC के है, ये अच्छा, इन्होंने जो है इस बिल्डिंग का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया है, जो डिजाइन आप लोग देख रहे हैं। ये VIP पोर्टिको है, बगल में एक VIP वेटिंग हॉल है जहाँ पे ये लोग बैठ सकेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से पहले। अभी पहले अंदर देख लेते हैं, फिर एक बार प्ले करके दिखाया कि जो 2 साल पहले प्लान हुआ था वो ऐसी बन के आ रही है, अब दिखने लगी है बिल्डिंग। एक तो ये हुआ, दूसरा जो क्वालिटी ऑफ वर्क्स है, जैसे जो आपके कंक्रीट की क्वालिटी है उसको असर्टेन करने के लिए यहाँ पे लेबोरेटरी भी इन लोगों ने बनाई है, जहाँ पे कंक्रीट ट्यूब बनाते हैं उसको देखा जाता है उसकी स्ट्रेंथ जितनी है कि नहीं है। मटेरियल्स जो लगा रहे हैं, जैसे ऊपर में शीट जो लगी है, गलवेलम शीट लगी है, डबल लेयर में लगी है, उसके बीच में इन लोगों ने कुछ ग्लेज, मेनली अकॉस्टिक्स एंड हीट, ये दो चीज़ जो है बाहर को हम यहीं से प्रोड्यूस करके सोलर पैनल से यूज़ करें। बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से अनोखा है जो ग्रीन बिल्डिंग होगा, ना सिर्फ अपने बिल्डिंग के लिए लाइट प्रोड्यूस करेंगे हम लोग बल्कि अगल बगल की बिल्डिंग।
दो मिनट और बस, एक आर्ट गैलरी है, इम्पोर्टेंट जगह है वो, आर्ट गैलरी है। इसमें हम लोग रेलवे की चीज़ों को डिस्प्ले करने का है आइडिया है, और इसमें आने वाले समय में जो है ऐसी पिक्चर्स लगाएंगे जो रेलवे से रिलेटेड है। उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ चॉकआउट करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। इसके यहाँ से ग्लास लगेगा, ये रिले करने के लिए कोई चीज़ रिले करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे कर सकते हैं। ऊपर से एक इमरजेंसी इन लोगों ने डोर भी दिया हुआ है इसके ऊपर, जिससे कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो ऊपर से जाकर ही वो देख सकते हैं। ब्रिज बना हुआ ऊपर, ये सामने जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये मेंटेनेंस ब्रिज है बेसिकली ऊपर में। पूर्वांचल के लिए और पूर्वोत्तर रेलवे के लिए मैं कहूँ कि ये पहला अपने आप में एक अनोखा ऑडिटोरियम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, जो कि अगले महीने के एंड तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें कुल 500 लोगों की बैठने की क्षमता है और इसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपए की है, जिसमें ये तैयार किया गया है। अगर सामने से बात करें, कुल 3 मेन एंट्रीज बनाई गई हैं, मेन गेट्स बनाए गए हैं जहां से इस ऑडिटोरियम में एंटर किया जा सकता है, और इस हॉल में एंटर करने के लिए 3 अलग अलग गेट बनाए गए हैं। साइड में पोर्टिको एक है जहां से वीआईपी एंट्रीज के लिए स्पेस दिया गया है। फ्रंट से जो आम जनता हैं, आम जनमानस हैं जो ऑडिटोरियम में विजिट करेंगे, और साइड में एक और एंट्री दिया गया है। इमरजेंसी की स्थिति में सफिशियंट नंबर ऑफ एग्जिट पॉइंट्स दिए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, साथ ही साथ फायर अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है इसमें, इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी और इमरजेंसी। आज ये एक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में। यह ऑडिटोरियम अपने आप में एक अनोखा ऑडिटोरियम है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। पूर्वोत्तर रेलवे में इस तरह का ऑडिटोरियम अपने आप में पहला है, और पूर्वांचल की बात करें तो इस तरह की सुविधाएं जो हम लोगों ने यहाँ पर दी हैं, इस तरह की सुविधाएं पहली बार किसी ऑडिटोरियम में दी जा रही हैं। इसमें एकॉस्टिक्स के साथ साथ एक ग्रीन बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो बिल्डिंग अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो खुद प्रोड्यूस करेगी। साथ ही साथ इस तरह का इसका डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सोलर लाइट और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसी से बिल्डिंग का टेम्परेचर मेंटेन रहे। हालांकि ये सेंट्रलाइज्ड एसी है, जो इसमें चेयर्स लगी हुई हैं वो आरामदायक हों, जिससे यहाँ थिएटर प्ले या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकें। बड़े सेमिनार्स में जिस दौरान लोगों को लंबा बैठना पड़ता है तो उनको बैठने में कोई अनकंफर्ट ना हो, इसके लिए रिक्लाइनर चेयर्स दी गई हैं। आगे फ्रंट टू रोज में वाइट चेयर्स लगाई गई हैं, जिनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, जो वीआईपीज़ के लिए हैं। वीआईपीज़ के लिए अलग पोर्टिको और एंट्री बनाई गई है, उनके बैठने के लिए अलग से एक वेटिंग हॉल का भी अरेंजमेंट किया गया है। इमरजेंसी मीटिंग के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है, जिसमें 20 लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। और इनकेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे में अक्सर इमरजेंसी में रेलवे बोर्ड या अलग अलग स्थानों से जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करनी पड़ती है, तो अगर किसी प्रोग्राम के दौरान ऐसी कोई मीटिंग करनी पड़े तो हम लोग उस इमरजेंसी जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसका यूज़ कर सकेंगे। साथ ही साथ भविष्य में होने वाले जो प्रोग्राम है, चाहे वो प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, थिएटर का प्रोग्राम हो, सेमिनार्स हो, टेक्निकल सेमिनार्स, या जो हमारे एनुअल अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं, ये सारे इस तरह के प्रोग्राम से यहाँ पे आयोजित किए जा सकेंगे। एक बार ये बन जाएगा तब इसको अगले महीने के लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। इसमें सफिशियंट ग्रीन पैच दिया गया है, साथ ही साथ जो है बाहर में लैंडस्केपिंग की गई है, और एक बहुत ही बेहतरीन जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं किसी भी इस तरह के ऑडिटोरियम को बनाए जाने के लिए, उस सभी मानकों को इसमें पूर्ण किया गया। हाँ, एक बार इसके बन जाने के बाद इसका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए क्या रेट वगैरह फिक्स जो किया जाना है उसके ऊपर चर्चा करके उसे फिक्स किया जाएगा, जिससे कि बाहर के लोग, जो गोरखपुर के लोग हैं या पूर्वांचल के लोग हैं, इसका लाभ उठा पाएंगे। इसमें एक आर्ट गैलरी का भी प्रोविज़न किया गया है। आने वाले समय में जिस हिसाब से गोरखपुर सिटी ग्रो कर रही है और जिस तरह गोरखपुर शहर का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए
इसमें आने वाले टाइम में लोग आर्ट गैलरी वगैरह लगाना चाहें तो उनके लिए भी हम लोग फैसिलिटीज देंगे, और हर तरह के कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए जो सुटेबल हो इसके अनुसार, जैसे एक मंच मिलेगा जहाँ पे थिएटर के जो कलाकार हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे, उनके फ्लोर्स पे हम लोगों ने इस तरह की टाइल्स, इस तरह की फ्लोरिंग रखी है, वुडन टाइल्स जो इम्पोर्टेड मंगाए हैं, जिससे कि अगर कोई डांस कर रहा हो तो उसके नी पे जर्क ना लगे और साथ ही साथ नॉन स्लिपरी हो, जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से दे सके। बेहतर लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया है जिससे जो कलाकार है या जो वहाँ पे बोल रहा है उसके ऊपर हम लोग एक फ्लड लाइट ऊपर से डाल सकते हैं। सभी प्रकार के जो अरेंजमेंट हो सकते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए आवश्यक हैं, उन सभी को पूरा किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने इसमें फायर अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है, सफिशियंट एग्जिट और एंट्री दिया गया है, CCTV कैमराज लगाए गए हैं, तो सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण किया गया है। अभी तो रेलवे ही इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगी, अगर आवश्यकता इसकी पड़ेगी तो उस समय इस पर डिसीजन लिया जाएगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है।